नमस्कार। चिंतन के क्रम में हमेशा एक संभावना रहती है पथ विहीन होने का, लक्ष्य विहीन होने का। चिंतन ही एक ऐसी वस्तु है जो भटका सकती है। जिज्ञासा को जगाते वक्त अथवा अपने लक्ष्य को तय करते वक्त हमें कुछ तथ्यों पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए। यदि भारत को विश्वगुरु स्थापित करना है अथवा भारत विश्वगुरु क्यों था इस वस्तु को दर्शाना है, तो यहाँ ये कोई अनिवार्य नहीं है कि हमें विश्व को टुकड़ों में बांटना है, क्योंकि जिस परंपरा में यत्र भवति विश्वम एक नीडम वाली एक धारा चलती है, जहाँ विश्व को एक ही कुटुंब माना जाता है, उस परंपरा के अंतर्गत हम चिंतन करते वक्त यदि हम सोचें कि वैदिक चिंतन केवल हमारे ही संपत्ति हैं अथवा यहीं के लोग केवल ज्ञान संपन्न हैं, यदि हम ऐसे सोच के इस तरीके के पूर्वाग्रहों से यदि हम चिंतन करना प्रारंभ करते हैं, तो हम विफल हो जाएंगे। क्योंकि हमको जो उपदेश मिला है वह उपदेश ही कहता है कि आप विश्व को एक रूप से देखो। पंडित समदर्शी होना चाहिए, पंडित को समदर्शी होना चाहिए, यानी जो विद्वान, जो ज्ञानी अथवा जो चिंतक अथवा जो चिंतन क्रम में लगा है। यहाँ ज्ञानी का अर्थ कोई विश्वविद्यालय गया हो अथवा कोई प्रमाण पत्र लिया हो, ऐसे नहीं। ज्ञान हमारे आज के समय के विद्या विधान से नहीं है। ज्ञान एक मानसिक परिपक्वता जिसमें है और जो चिंतन कर रहा है, जो जिज्ञासा को जगा रहा है, तो उसको सबसे पहले किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहना है। यानी न स्त्री पुरुष, न जाति, न धर्म, न कुल, न स्थान, किसी भी प्रकार का भेद उसके पास नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम विश्व की गूंज को बता रहे हैं कि चारों ओर फैला हुआ गूंज यदि वेद हैं, यदि वह शब्द में शक्ति हैं और मंत्र में शक्ति हैं, तो और प्रकृति के अंतर्गत घटक ही देवी देवता है और विश्व कल्याण के लिए यदि हम कार्यरत हैं, तो हमारा चिंतन एकदम सरल, सरस और समत्व भावना से चलना चाहिए। तो उसी क्रम में आधुनिक विज्ञान को आधार मानकर, आधुनिक विज्ञान की सहायता लेते हुए यदि हमको भारत को विश्वगुरु दर्जा मिलने के कारण ढूंढना है, तो वहाँ पर आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, कोपरनिकस हो, स्टीफन हॉकिंग हो, जेम्स जेन्स हो, अथवा इस प्रकार की जो श्रृंखला पाश्चात्य विद्वानों की, तो उनको हम कोई उस किनारे बैठे हुए वैज्ञानिक के रूप में, ज्ञानी के रूप में ना देखें। क्योंकि ज्ञान का स्वरूप एक ही होता है, मानसिक विकास एक ही तरीके का होता है और प्रकृति के घटक हर स्थान में समान होते हैं। तो सबसे पहले चिंतन के समय हम इस भेदभाव को भूल जाएं। यदि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम इस चिंतन को छोड़ दें कि न्यूटन हमारे यहाँ से लिया है या किसी वैदिक ऋषि से प्राप्त किया है अथवा किसी वैदिक ग्रंथ से प्राप्त किया है, तो इस भाव से चिंतन हमें प्रारंभ नहीं करना है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि न्यूटन के पहले भी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था। न्यूटन के पहले भी लाखों वर्षों से जो भी वस्तु ऊपर फेंकने पर वो नीचे गिरता था, और यह ज्ञान सबके पास था, यदि किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे वो नीचे गिरता है। किंतु न्यूटन की क्या विशेषता है? न्यूटन महोदय वहाँ पर हमें यही बताया है कि वह ऊपर गया हुआ वस्तु ऊपर ना जाकर नीचे क्यों आता है, और वो भी प्रकृति के उन तथ्यों को इतने सरलता, इतने सरसता से उन्होंने सिद्ध किया है, सामने रखा है, तो वो स्वागत योग्य हैं।
और वो भी किसी महर्षि से कम नहीं है। अर्थात यहाँ ज्ञान संपन्न और ज्ञान प्रदाता, ज्ञान को बांटने वाले जो भी होंगे, उन सब वो सभी हमारे लिए महर्षियों के समकक्ष में हैं। तो वराह मिहिराचार्य बृहत संहिता में भी यही बात कहते हैं, जब ज्योतिष की बात आती है, म्लेच्छा यवनास्तेषु तेषु शास्त्रम सम्यक स्थितम, एक ऐसे वाक्य आता है कहते हैं वहाँ पर, वहाँ यवन शब्द प्रयोग किस लिए हुआ था, जो उस समय में हमारे यहाँ वाणिज्य के लिए जो आते जाते थे बाहर से लोग, उनके लिए प्रयुक्त था ये शब्द। तो कहते हैं कि उनमें भी यह शास्त्र बहुत समीचीन रूप से मैंने प्रतिष्ठित हैं, मैंने वे भी इस विद्या में प्रतिष्ठित हैं। वराह मिहिर कब, 5वीं सदी के वराह मिहिर यह बात कहते हैं, और विगत 14 सदियों में हम भी जानते हैं कि मानव के विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन आया, किस प्रकार के विचारधाराओं का उत्पन्न हुआ, हम सभी जानते हैं। किंतु यहाँ पर पूर्वाग्रह रहित एक चिंतन क्रम को हमें अंदर पैदा करना होगा। यहाँ पर हमारे सामने चिंतन करते वक्त, ज्ञान के बारे में चिंतन करते वक्त, वैदिक चिंतन के बारे में चिंतन करते वक्त, हमें पूर्ण रूप से सबसे पहले हमें हमारे शरीर में उस प्रकार के गूंज को हमें पैदा करना है, उस प्रकार के मूवमेंट को ले आना है शरीर में, हमारे आभा मंडल को पूर्ण रूप से परिशुद्ध करना है कि जो केवल मात्र ज्ञान का ही चिंतन कर सके, और ज्ञान के पहलुओं से ही वह जिज्ञासा करना प्रारंभ करे। तो इसके लिए हमें पतंजलि का अनुसरण करना होगा, एक सात्विक चिंतन को पैदा करना होगा, और वह सात्विकता इस कदर तक आवे कि हम अपने दृष्टि में किसी भी प्रकार के भेदभाव को न प्राप्त करें, अन्यथा स्थान विशेष तक हम सीमित रह जाएंगे तो हमारा जो भी फल कथन होगा, अर्थात जैसे हम कहते हैं कि शुभ कार्य अशुभ कार्य, शुभ फल अशुभ फल, और इसका यह स्वरूप इसका यह स्वरूप, शुभ फल को बढ़ाने की यह प्रक्रिया, तो ये इन चिंतनों में हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे तो हम एक सीमा के लिए रह जाएंगे। तो फिर हमें अंत में ग्रह यदि प्रभावित करते हैं तो ग्रह प्रभाव ही डालते हैं, मैचिस को जलाने से, मैचिस को रगड़ने से आग ही निकलती है, ये बात ना कह के यदि राजा का पुत्र हो उसके लिए राजयोग हो तभी राजा बनेगा, और यदि राजा का पुत्र ना हो, यदि वो रिक्शा अथवा कोई ऐसे परिश्रम रिक्शा चलाने वाले हों अथवा कोई मेहनत करने वाले हों, यदि उनके यहाँ का यदि जातक है तो उसके लिए राजयोग नहीं होगा, यदि इस प्रकार की बातें हम कहने लगेंगे तो फिर ज्ञान ऐसे विकार रूप ले लेगा और हम उसके पहलुओं को कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए समत्व को ले आना है, और अगले कड़ी में फिर हम उस क्रम से जुड़ेंगे कि जिसको छोड़ के हम कुछ अनिवार्य बातों पर चर्चा कर रहे थे। तब तक नमस्कार।